बहुत सारे छात्रों के दिमाग में ये वाला सवाल है कि उनकी बोर्ड की परीक्षाएं इस साल होंगी या नहीं होंगी। इस सवाल का डाउट आज का आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, 3 सितंबर 2020 को एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 का विषय है, मतलब इसके जो पेपर है वो नई शिक्षा नीति के तहत होंगे। ऐसा 3 सितंबर 2020 के लेटर में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था, और पूरा जो पंजीकरण है, पूरी जो प्रावधान है, सब कुछ लेटर में बता दिया गया था। लेकिन हाल ही रिसेंटली देखिए, एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पॉपअप आया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये क्या आया हुआ है, कैंसिलेशन ऑफ सर्कुलर नंबर 2694। जो लेटर आया हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। ये देखिए 7 सितंबर को लेटर आया हुआ है, जो नई शिक्षा नीति के तहत एमपी बोर्ड की परीक्षा होने जा रही थी, यानी कि उनकी बोर्ड की परीक्षा नहीं होनी थी, उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। और दोबारा से जो पिछले साल आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हुई थी, उसी तरीके से इस साल भी आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल पढ़ना है, दिमाग लगा करके, ध्यान लगा करके पढ़ना है, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा इस साल होंगी। यहाँ पर एमपी बोर्ड ने अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कोई भी इसमें डाउट नहीं बचा है। यानी जितने भी बोर्ड हैं, सभी बोर्ड की परीक्षाएँ इस साल पुरानी पद्धति से होंगी। अगले साल यानी 2022 वाला जो सत्र रहेगा, उसमें बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये एमपी बोर्ड ने लेटर जारी करके सभी छात्रों को सूचित कर दिया है, तो जिसकी खबर हम चैनल पर आपको दे रहे हैं। तो फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।